बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉकडाउन के दौरान महफूज घर में महफूज रहो के उनवान के तहत लोग घरों में बंद रहे, लेकिन इससे पता चला कि घर के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर इजाफ़ा हुआ है, तलाक़ की शरह में इजाफ़ा हुआ है, समाज के अंदर उथल पथल पैदा हो गया, बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ, जिसकी वजह से ताल्लुकात के अंदर भी बड़ी ख़राबी आई। तो जमात इस्लामी हिंद ने और उसकी शोबे ख़वातीन ने यह महसूस किया कि यह मौका है कि इस वक्त मजबूत ख़ानदान और मजबूत समाज के अनुमान से एक तहरीक शुरू की जाए, एक मुहिम शुरू की जाए। तो यह मुहिम ख़ानदान के वैल्यूज़ को और ख़ानदान के अंदर उसकी अहमियत को और समाज के लिए ख़ानदान कितना ज़रूरी है और मुल्क की तरक्की के लिए ख़ानदान कितना ज़रूरी है और मग़रबी तहज़ीब और मग़रबी जो कल्चर है उसने किस तरह हमारे ख़ानदानों को तबाह और बर्बाद कर दिया और नामाकुल किस्म के रस्म व रिवाजात ने भी हमारे ख़ानदानों के अंदर दरारें पैदा कर दी। लिहाजा इन तालीमात को आम करने के लिए और फिर ख़ानदान के लिए जो सपोर्टिव निज़ाम है, जैसे शरई पंचायत है और काउंसलिंग सेंटर्स हैं और इसी तरह शादी से पहले काउंसलिंग है, शादी से पहले लड़का और लड़की को तालीम देना है, ये सपोर्टिव सिस्टम्स हैं। इसके इन सपोर्टिव सिस्टम्स को भी एवॉल्व करने के लिए यह मूवमेंट चलाने का बेड़ा उठाया है। ये ख़वातीन के साथ साथ हमारे तमाम ज़ैली तंज़ीमें, SIO, GIO और फिर ख़ुद जमात इस्लामी के मर्द हज़रात और ख़वातीन सब मिलकर ये मुहिम को आवाम के अंदर ले जाएंगे और इस्लामी ख़ानदानी निज़ाम की जो बरकतें हैं उन बरकतों को लोगों के अंदर आम करने की कोशिश करेंगे। आई एम असमा ज़रज़री, को कन्वीनर ऑफ द कैंपेन स्ट्रॉन्ग फैमिली स्ट्रॉन्ग सोसाइटी। फैमिली इज़ द बेसिक न्यूक्लियस ऑफ सिविलाइजेशन, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी। फॉर अ स्ट्रॉन्गर फैमिली वी नीड अ स्ट्रॉन्गर सोसाइटी। Nowadays, in the present scenario, if we see the family structure is torn apart, and the rising trend of live-in relationship, the homosexuality, and a virtual revolt against the values of the family is pose danger to the healthy society. Hence, Jamaat-e-Islami Hind Women's Wing have decided to run a campaign nationwide from 19 to 28th of February 2021 to create awareness, to strengthen the family system, and to respect the values of an individual and to protect the values of family and society. The various activities undertaken are self-introspection and grassroots level programs and various activities like corner meets, tea parties, drawing room meets, and various international webinars, symposium seminars, and panel debates with educators, lecturers, and counselors. It's the duty of every individual, especially the Muslims, to promote the teachings of Islam and to be role models and to present Islam as an alternative and only solution to all these problems. Thank you. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन चूँकि जमात की डॉटर्स विंग है, हम जिन तालिबात के तबके में काम करते हैं, 25 ईयर्स से कम जो भी लड़कियां हैं उन तक हम इस मुहिम के पैगाम को पहुंचाएंगे। स्ट्रॉन्ग फैमिली स्ट्रॉन्ग नेशन, हम इसके कॉम्पिटिशन्स रखेंगे इंशाल्लाह, लोकल लेवल पर कॉम्पिटिशन्स, एसे राइटिंग, तकारीर, इन सब से हम उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करेंगे। वीडियो के भी कॉम्पिटिशन्स रखे जाएंगे और जमात के ख़वातीन को जहाँ कहीं भी सपोर्ट हम कर सकेंगे, हमारे मेंबर्स उनको इस मुहिम को कामयाब बनाने में पूरा ताउन करेंगे। जज़ाकअल्लाह खैर।